क्लास टेंथ में गुल्लू का कल पढ़े थे परावर्तन, सॉरी अपवर्तन पढ़े थे ना, जो कक्षा 10 के बच्चे थे वो क्या पढ़े थे, अपवर्तन। और अपवर्तन में हम लोगों ने क्रांतिक कोण और न्यूमेरिकल पढ़ लिया था ना बेटा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस, क्या स्टार्ट करेंगे भाई, लेंस, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, क्योंकि हम लोग ने ठीक है यहाँ लिख देंगे लेंस, आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस, ठीक है। लेंस क्या है इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जरूरी है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, देखेंगे लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से, जो दो गोलीय पृष्ठों से, जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय तथा एक समतल से घिरा होता है, पृष्ठों से अथवा एक गोलीय अथवा एक एक गोलीय तथा एक समतल से घिरा होता है, एक समतल से घिरा होता है, एक समतल से घिरा होता है, ठीक है। लेंस कहना क्या क्या होता है, लेंस कहना, लेंस कहलाता, ठीक है, लेंस कहलाता, समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब ऐसा पृष्ठ जो दो समतल से घिरा होता है, अथवा एक समतल हो और एक गोलीय हो, या दोनों गोलीय हो तो भी चलेगा, बात समझ में ना, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लेंस कहते हैं, समझ में आ गया। लेकिन लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बाकी छह प्रकार के होते हैं, हम लोग दो ही देखते हैं। लेकिन लेंस लेंस मुख्यतः लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लेंस मुख्यतः दो प्रकार का, दो प्रकार का होता है, ठीक है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पहला देखिए यहाँ से, पहले लेंस ये, ठीक है, ये हमारा है टेलीफोन, ये हमारा है टेलीफोन, ठीक है ना। और जो दूसरा होगा भी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आउटर लेंस, क्या कहेंगे, आउटर लेंस, इस तरीके से, ठीक है। उसे हम कहेंगे आउटर लेंस, क्या कहेंगे आउटर लेंस, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज देखो ध्यान से, जैसे हम लोग दर्पण पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, दर्पण, और दर्पण क्या करते थे, उस तरीके से ठीक है, और कुछ दर्पण ऐसे
ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे चीज़ अगर ये देखा जाए कि अगर इसमें हम पॉलिश ना करें, सपोज करें तो पॉलिश नहीं करेंगे तो कुछ वैसा है और ये कैसा है, ये कैसा है, और इन दोनों को बेटा हम क्या कर दें, जोड़ दें, इन दोनों क्या करते हैं जोड़ दें। तो जोड़ेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से आकृति मिलेगी, नहीं मिलेगी इस प्रकार से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं ये हमारा एक उत्तल है, ये हमारा क्या उत्तल है, और हम इसी के बगल में एक समतल ऐसा करते हैं, ऐसा समतल हमारा समतल होता है, क्या होता है बताइए, समतल होता है, ये हमारा होता है समतल होता है, और इसको उठा के इसमें जोड़ देंगे तो कुछ आकृति इस प्रकार में देखने को मिलेगी, ये भी एक यंश है ना, इसको बोलते हैं समोत्तल यंश, क्या बोलते हैं समोत्तल यंश। तो यहाँ देखा जाए एक चीज़ निकल के आ रही है, मैं लिख रहा हूँ एक अपनी अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना ठीक है, तो भी क्या लिखा हूँ इसको मिटा दे रहा है ठीक है भाई। या दो दर्पणों को बिना बिना पॉलिश के जोड़ दिया जाए, बिना पॉलिश के जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो वह लेंस की भांति कार्य करेगा, तो वह लेंस की भांति कार्य करेगा, लेंस की भांति कार्य करेगा ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, हो गया ना भैया, देखो ध्यान से, मैंने हमें कह दिया ना कि अगर पॉलिश ना किया जाए तो कैसे किस तरीके से व्यवहार व्यवहार करेगा, वो एक लेंस की भांति होता है ठीक है। देखो ध्यान से आगे नाले चल रहे हैं, लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, लेंसों की अभिसारी, लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, जब हम लिख रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं अभिसारी लेंस, किसे लिख रहे हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस ठीक है। यहाँ लिखेंगे अभिसारी लेंस का मतलब बिल्कुल लेंस, यहाँ लिखेंगे वह लेंस जिसमें इसमें कई सारे कई सारे प्रकाश
प्रकाश की किरण, कई सारे प्रकाश की किरण, कई सारे प्रकाश की किरण, कई सारे प्रकाश की किरण, एक बिंदु पर ही, एक ही बिंदु पर एकत्रित होते हैं, एक ही बिंदु पर एकत्रित होती है, एक ही बिंदु पर एकत्रित होती है अभिसारी दंश कहलाता है। अभिसारी उत्तल लेंस ही, उत्तल लेंस ही, उत्तल लेंस ही अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है। उत्तल लेंस ही अभिसारी लेंस की भांति कार्य उसको लिखेंगे अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, यहाँ लिखेंगे वह लेंस जिसमें प्रकाश की किरणें, वह लेंस जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से, एक बिंदु से प्रसारित होती है, प्रसारित होती है प्रसारित होती है अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस कहलाता है, देख सकते हैं अर्थात अवतल लेंस, अर्थात अवतल लेंस अपसारी लेंस की महत्व कार्य करता है। अवतल लेंस अपसारी लेंस लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। लेंस से संबंधित परिभाषा, ठीक है ना, ध्यान रखना लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, ठीक है। देखो सबसे पहले चीज क्या है, लेंस में सबसे पहले चीज क्या डिफाइन करेंगे, था पहला होता है प्रकाशित केंद्र, क्या होता है प्रकाशित केंद्र,
क्लासिकल केन, ठीक है ना, क्या होता है लेंस के मध्य बिंदु को ही, यानी कि लेंस के मध्य बिंदु को ही, मध्य बिंदु को ही केंद्र कहते हैं, ठीक है, लेंस का प्रकाशित क्या कहते हैं बेटा, केंद्र कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लेंस के मध्य बिंदु को ही लेंस का प्रकाशित केंद्र कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे लिखेंगे। पहला हम कह रहे हैं, दूसरी परिभाषा जो है वो है मुख्य अक्ष, क्या रखना, उसी परिभाषा क्या है, मुख्य अक्ष, हमारा मुख्य अक्ष क्या रखना, यहाँ लिखना क्या है, लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया हमारा। अलग अलग परिभाषा होती है, फोकस होगा, क्या होगी फोकस, तो आप ये दोनों को डायग्राम में चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, ये हमारा कोई लेंस है ये, ठीक है, और सपोज करते हैं ये दो पार्ट से डिवाइड यही से होगा बेटा, इसका मध्य बिंदु यही होगा कि नहीं होगा, सपोज कर रहे हैं इसका मध्य बिंदु, और इस मध्य बिंदु को हम प्रकाशित केंद्र कहते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यह रेखा कौन सी होगी, इसका नाम होगा मुख्य अक्ष, क्या नाम होगा, मुख्य अक्ष, ठीक है, और ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रकाशित केंद्र, क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र, बात समझ में आती है ना, ये हमारा क्या होता है प्रकाशित केंद्र, और ये तो जानते हैं हमारा उत्तल लेंस है, ये क्या है, उत्तल लेंस, इसी प्रकार अवतल में भी होता है धारक में, जो मध्य बिंदु को उसे प्रकाशित केंद्र, और जो उससे होकर देखा जाएगा उसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। नोट लिख लो, एक बहुत काम आएगा, नोट क्या आएगा, लिखेंगे प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली, प्रकाशित केंद्र से, केंद्र से होकर जाने वाली, प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती, विचलित नहीं होती, समझ में आ गया, ये प्रकाशक केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। अगली रेखा फोकस या मुख्य फोकस, ठीक है ना, अगली रेखा मुख्य फोकस, हमारी अगली रेखा में
इसमें तो वैसे दो मुख्य कसौटी या लिखेंगे यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर समांतर मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर ठीक है ना मुख्य अक्ष के समांतर होकर मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात तो अपवर्तन के पश्चात तो अपवर्तन के पश्चात ये किरणें अपवर्तन के पश्चात ये किरणें परस्पर एक ही बिंदु पर काटती है एक ही बिंदु पर काटती है परस्पर एक दूसरे को ऐसे आने के लिए थोड़ा सा अच्छा परिभाषा बनना है उसको थोड़ा मिटा देना है परस्पर एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे को एक दूसरे को एक ही बिंदु पर एक ही बिंदु पर काटती है और जिस बिंदु पर काटती है और जिस बिंदु पर काटती है जिस बिंदु पर काटती है उसे ही मुख्य फोकस करते हैं उसे ही मुख्य फोकस उसे क्या कहते हैं बेटा मुख्य फोकस करते हैं इस बिंदु पर काटते हैं उसे ये क्या कहते हैं मुख्य फोकस करते हैं ध्यान रखना ऐसे ये जानते हो तुम्हारा क्या है बोलो कौन सा लेंस है ये उत्तल लेंस है तुम्हारा क्या बेटा उत्तल लेंस है ठीक है और सपोज करते हैं ये कोई रेखा से जा रहे हैं कहाँ से ये हमारे क्या आप जानते हैं उसे बोलते हैं प्रकाशित केंद्र क्या बोलते हैं प्रकाशित केंद्र ठीक है और इसी के समांतर अगर प्रकाश किरण जाते हैं ऐसे 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 तो देखो इधर तुम्हारा फोकस एफ वन होता है इसको मैं एफ वन बोल रही हूँ ध्यान रखना इधर जो होगा उसे एफ टू कहेंगे देखो ये जब अपवर्तित होंगी बता ध्यान रखना ये सब किरणें जब यहाँ इस लेंस से अपवर्तित होंगी तो परस्पर एक बिंदु को ऐसे मान लेते हैं कि ये ऐसे चली जाएगी ऐसे ये ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी ऐसा हो जाए ना यही इसको बोलते हैं हम लोग एफ टू क्या बोलते हैं और इसे ही हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस क्या बोलते हैं बेटा मुख्य फोकस ठीक है ना कोई दिक्कत तो नहीं है ना जल्दी नोट कर लो यहाँ तक समझ में आया आ गया होगा बेटा ठीक है और देखो ये तो एक ही बिंदु पर एकत्रित करती है यहाँ से ये बना बना ऐसे ठीक है ना ये ऐसे जा रहे हैं ऐसे एक बिंदु पे अपने हो गया ना अब उसके बाद देखो जैसे सपोज करते हैं ये हमारा क्या
ये हमारा कौन सी लेंस है? ये हमारा अवतल लेंस है। क्या है हमारा अवतल लेंस? विच इज द लेंस? इस लेंस हमारा क्या है? अवतल लेंस। इसको हम बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है। और इस ये जो है आपको सब ये देखा है मध्य बिंदु से, देखो इससे मध्य बिंदु का है कि ये जो बेटा है इसे बोलोगे प्रकाशित है। ये किसका है? अवतल लेंस का प्रकाशित है, प्रकाशित केंद्र, ठीक है। अब यहाँ भी समांतर ऐसे जाके क्यों नहीं होता? ऐसे ऐसे समांतर से लेते हैं ठीक है। यहाँ देखो ये जो है ये किरणें बेटा क्या होती है? परस्पर मतलब अपवर्तित होने के पश्चात ऐसे विचलित हो जाती है, ऐसे ऐसे ये इधर को चली जाएगी, ऐसे ऐसे मसल में ये ऐसे गई ऐसे, क्योंकि ये दूसरे को कभी काटेंगे कभी काटे नहीं है। लेकिन जब इसका एक आभासी मान तैयार करें, सपोज करो ये ऐसे जा रही है तो ये ऐसे आएंगे, ऐसे इसका अगर आभासी मान तैयार करेंगे कुछ इस तरीके से इसका भी ऐसे आएगा और इसका भी ऐसे और इसका भी ऐसे, ठीक है। मतलब जब ये एक दूसरे को ऐसे, ये हमारा अलग होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम इसी बिंदु को इसी को हम बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस ध्यान। मतलब जो हमने लिखा है यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर उतर जाते हैं तो अपवर्तन के पश्चात ये किरणें परस्पर एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं और जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसको एक बार डायग्राम थोड़ा ध्यान देना, बना लेना भैया, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट कर लो जल्दी, इसको मिटा दें, फिर इसको मिटा दें, ठीक है ना? इधर आइए, चलो देखो यहाँ से अगली हेडिंग को भी हमारी अगली हेडिंग लेंस में यहाँ लेकिन उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम, या ऐसे लेते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के देखो ना, पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? पहला नियम यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर समांतर ऊपर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर बन रही जाती है तो अपवर्तन के पश्चात, तो अपवर्तन के पश्चात, तो अपवर्तन के पश्चात पश्चात सदैव
होती है फोकस से होकर जाएगी, जिस समय होती है फोकस से होकर जाएगी। हमारा मुख्य अच्छा है, क्या है मुख्य अच्छा है, ठीक है, ये बता हमारा प्रकाश सकते हैं, क्या है प्रकाश, ठीक है। और कोई प्रकाश के बिना सपोज केवल सूर्य समान दिवस है, इसके जस्ट उल्टा कर लेते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश किरण, कोई प्रकाश की किरण किरण फोकस से होती है, फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु से होकर होकर जाए, यदि कोई प्रकाश का फोकस बिंदु से होकर जाए तो वह अपवर्तन के पश्चात, तो वह अपवर्तन के पश्चात, तो के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, समांतर आपका मुख्य, ठीक है ना, इस तरीके से। अब कह रहे हैं कोई प्रकाश कौन सा, उसको ये फोकस है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा प्रकाश क्या है, ये हमारा क्या है टू। और कोई प्रकाश को मैं सिर्फ फोकस होकर के लिए सपोज करो ऐसे प्रथम फोकस, यदि प्रथम फोकस से होकर के जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात एक क्या हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगला जो है एक लास्ट रूल है, इसको बनाते हैं, इसको निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं, लास्ट और अंतिम रूल क्या है, इसका याद रखना, लेंस में दो फोकस होते हैं, पसंद और एक, ठीक है ना, पहले कह रहे हैं यदि प्रकाश की किरण, जो आप जानते हैं यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है, लेंस के प्रकाशित, लेंस के प्रकाशित केंद्र
अपवर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। अगर चित्र समझे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा पक्का बता रहा हूँ। हैं समझे हो कि नहीं? नहीं समझो तो नहीं आएगा, पक्का बताया, ठीक है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, उत्तल लस द्वारा प्रतिबिंब का बनना है।